तो अजो की फतेह जेका है सा जमूरत की फतेह पीडीएम जेका मिशन खणी इन मुल्क में निकती निज़ाम के चेंज कर लाए तो बाबा इतने हर को इदारो पंहिंजे दायरे में रहे तो अज उन फतेह थी है इंशाल्लाह ताला पीडीएम जी क्या ये जो बिलाल साहब जो तकीर वेठो बुधा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्हें चाहिए है तो इंशाल्लाह ताला ये जगह सारी पीडीएम क़यादत की जगह है फतेह है और गरीब आवाम की फतेह है महंगाई बेरोजगारी हर शै महंगाई मानू जो बदवाऊँ वह बदवाऊँ भी रंगला थो इन कर इंशाल्लाह ताला तुम पार्टी जो पार्टी का वर्कर या सजो मुल्क जो आवाम तो इंशाल्लाह जल्दी खुशखबरी बुधो हाँ अगर जो भी कदम थी वो मुल्क के मुफाद में जमूरत के मुफाद में मुल्क के मुस्तकबिल के मुफाद में इंशाल्लाह सही थी दो। रहमान रहीम आज पीपल्स सेक्रेटरी बचानी हाउस टंडोलियार में अलाज अब्दुल सत्तार बचानी की क्यादत में हज़ारों की तादाद में ये जो जाले टंडोलियार से निकले हैं आज जश्न जमहूरियत जमहूरियत की फतेह का दिन मनाया जा रहा है। आज उस सिलेक्टेड टोले के मुंह पर ज़ोरदार चमाट है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत जिन्होंने 2018 की इलेक्शन को चोरी किया 2018 की इलेक्शन पर डाका डाला और एक सिलेक्टेड शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। आज कौमी असम्बली के मौजूद मेम्बराना ने फैसला दे दिया कि हमें महंगाई कबूल नहीं है हमें बदनवानी कबूल नहीं है हमें तेल महंगा कबूल नहीं है दवाई महंगी कबूल नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत जमहूरियत की जीत है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत आवाम की जीत है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत नज़रिए की जीत है और इस जीत की खुशी में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। उसी सिलसिले में आज सैकड़ों की तादाद में हज़ारों की तादाद में कारकुनान बिना किसी काल के बिना किसी मैसेज के बिना किसी इतला के हज़ारों की तादाद में पीपल्स सेक्रेटरी बजानी हाउस पहुँचे और जश्न जमहूरियत मनाया। इंशाल्लाह आज हमने यूसुफ रज़ा गिलानी की फतेह का जश्न मनाया है। वो दिन दूर नहीं जब हम इमरान खान को इस मुसल्लत कुर्सी से उतार कर अपने महबूब कायद बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे और वो जश्न जमहूरियत इंशाल्लाह हम इसी अंदाज से इसी घर पर मनाएंगे। जैसे हमें पता चला कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज शेख से सेनेट का इलेक्शन विन किया है तो खुशी के मारे हम यहाँ बचानिया उस पर पहुँचे एक रैली की सूरत में तमाम वर्कर तमाम कारकुन जुमरिया डांस कर रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज की फतेह जमहूरियत की फतेह आमिरियत को शिकस्त है आज की फतेह मिस्कीन लोगों की फतेह आज की फतेह पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फतेह आज की फतेह गरीब मिस्कीन मारू वाले जहांगीर की फतेह और आज की नाकामी उस सिलेक्टेड हुकूमत की नाकामी है उन तागुनी कुव्वतों की नाकामी है जो इस जैसे सिलेक्टेड को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके पाकिस्तान का उन्होंने दिवालिया निकाल दिया। ये सिर्फ माशी आचार्य की बात करते हैं कौन से माशी आचार्य आप देख लो कि महंगाई का तूफान बरपा हुआ पड़ा है दालें कहाँ पहुँची है आटा कहाँ पहुँचा है चीनी चोर कहाँ पहुँची है ये चीनी चोर माफिया जिनको शिकस्त हुई है ये आवाम की फतेह ये जमहूरियत की फतेह जिए भुट्टो जिए गरीबों। खुशी आज आवाम की फतेह हुई है मुखालिफ जो मुखालिफों के जो थे वो सारे हार गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत आवाम की जीत है। आज जो है गिलानी साहब ने जो है हुक्मरान जमात के कैंडिडेट हफीज शेख जो कि आईएमएफ का नुमाइंदा है उसको शिकस्त देकर आवाम ने ये साबित किया है कि यहाँ पर सिलेक्टेड की कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि यहाँ पर हकीकी नुमाइंदे आना चाहिए जो आवाम के मसले और मसाइल को समझे। इस दौर गवर्नमेंट से इसके अपने लोग भी बेजार हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं वो लोग भी बेजार हैं पर मजबूरी में वो इसके चल रहे हैं। आज उन लोगों में से भी ये साबित हुआ कि उन लोगों में भी बेजारी का इजहार करके अपने मुखालफत में वोट कास्ट करके गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब कर लिया सेनेट का चेयरमैन मुंतखब कर लिया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस शिकस्त को देखे इससे पहले चारों सूबों में शिकस्त हुई इमरान खान को अब मौजूदा सेनेट में शिकस्त को देखकर ये जो है वजारत उस्मा से भी इस्तीफा देकर रहमान खाली करेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे। ये पाकिस्तान की बुजुर्गी फतेह ये यूसुफ रज़ा ने गरीब शागिर्द मजदूर
खैसान हारी नौजवान की फतेह इंशाल्लाह ताला असा ही इलेक्शन खटी है आईंदे इलेक्शन भी खटींदी ही उन्हें बुधाने चाहूँ था जो को के वी आया उनका पुछो तो असा की शिकस्त छो थी इंशाल्लाह ताला यूसुफ रज़ा जिलानी पाकिस्तान पीपल बहादुर नुमाइंदो है हमेशा इन गाल के फोकस किया जो को पार्टी का गड रहो सुकून जी। सबसे पहले तो मैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा। उसके बाद आज का ये इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना न्याजी हुकूमत के लिए पैगाम है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। आवाम के ऊपर जो इन्होंने महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर रखा है, बेरोज़गारी का तूफ़ान इन्होंने खड़ा कर रखा है, आज आवाम के नुमाइंदों ने अपना हक के वोट का हक राय दे इस्तेमाल करके न्याजी हुकूमत को ये पैगाम दे दिया कि आप नाअहल हैं और आप पाकिस्तान के ऊपर मुसलत नहीं रह सकते, अब आपको घर जाना होगा। मैं पीपल पार्टी के कारकुनों और जियालों को सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। ये पीपल पार्टी की फतेह है। अब ये महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से इमरान खान हार गया है और अभी जो है इसको घर जाना पड़े और अब बिलावल भुट्टो जरदारी को हम वज़ीर आज़म बनाएंगे और सब मिलकर इस हुकूमत को खात्मा करके दम लेंगे। अज पाकिस्तान पीपल पार्टी की तारीखी फतेह थी है। असी सलाम पेश था करूँ, मुबारक पेश था करूँ बिलावल भुट्टो साहब के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के टंडोलायर की आवाम के तरफा बचाणी साहब के तरफा अज हक सच्ची फतेह थी है। 28-29 वोटन के मार्जन से जो तो इन शिकस्त मिली है। आऊँ चाह तो इमरान न्याजी के अज जो तो पाकिस्तान छे लंडन रवानो थे इस्तीफा दे जी भुट्टो ये शहीद हि जी अज फतेह है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी आवाम की फतेह है और हकीकी फतेह है। अज खबर पी वही हली पाकिस्तान की आवाम के डिक्टेटर ब नंबर जो असान इमरान खान तोपो हो वो इंदो उनके खपे तो हाँ पो यो जो जाली इकतदार है वो छे पीपल्स पार्टी के दे छो जो आवाम की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी आवाम की हुकूमत है जी भुट्टो भुट्टो। हम यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर हम बहुत खुश हैं। हम बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करेंगे जी भुट्टो। अज ये जगह फतेह है यूसुफ रज़ा गिलानी के नाले से है। सेनेट इलेक्शन में जो इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी खटे चुको है और असा बचानी साहब के तरफा इन हाउस के तरफा इन टी हाउस के तरफा उनके मुबारकबाद पेश था करूँ जियाला हुंदण के नाते से। इंशाल्लाह ताला ही तो खाली सेनेट इलेक्शन हो पर ना रुगो सेनेट इलेक्शन पर इंदड़ वक्त में इंशाल्लाह बिलावल साहब वज़ीर आज़म थींदो असा उनका हथ मजबूत कंदा इंशाल्लाह ताला सारी पार्टी का गद रहंदासीं।